आज हम आपके लिए करंट अफेयर की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एक एक जो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से डिस्कस करते हुए चलना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सेना की टुकड़ी ने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ज़पाडा 2021 में हिस्सा लिया, यह किस देश में आयोजित किया गया। तो जानते रहेगा, भारतीय सेना की टुकड़ी ने जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसे ज़पाडा कहते हैं 2021 में जो हिस्सा लिया था, ये हुआ था रूस में। और रूस देखिए आया है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है डी में आया है, तो हमारे यहाँ जो डी नंबर यहाँ पे होगा, हमारा डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2021 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से चक्रवाती तूफान गुलाब टकराया, यह नाम किस देश ने दिया था। तो याद रखिएगा, 2021 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से जो चक्रवात जो टकराया था, जिसका नाम गुलाब है, ये गुलाब नाम उस चक्रवाती तूफान को दिया किसने था। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए ए में है भारत, बी में है पाकिस्तान, सी में है श्रीलंका और डी में है चाइना। तो जानते रहिए, गुलाब जो नाम दिया गया था चक्रवाती तूफान को, ये नाम दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। आई रिपीट, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। तो जानते रहेगा, वो राज्य है राजस्थान, और राजस्थान लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहां डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, ये याद रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं एनसीसी, की 34वीं महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इसका ना जो राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे एनसीसी कहते हैं, कि इसको 34वीं महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो किसने किया है। तो जानते रहेगा, जिन्होंने किया है वो हैं आपके जे जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरुवीर पाल सिंह, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरुवीर पाल सिंह देखिए आए हैं, देखिए ऑप्शन में बी में आए हैं, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की 34वीं महानिदेशक के निदेशक के रूप में पद भार जिन्होंने ग्रहण किया है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरुवीर पाल सिंह, ये याद रखना है आपको। फिर देखिए आ जाते हैं अपने फाइव नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता। तो जानते रहिएगा, नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब 2021 में जिन्होंने जीता है वो है डी गुगेस। तो देखिएगा आए हैं डी गुगेस, कहाँ आए हैं, देखिए डी गुगेस आए हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा कि नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब 2021 में जिन्होंने जीता है वो कौन है, डी गुगेस, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया। आई रिपीट, हाल ही में किसने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक परीक्षक, जिसे शॉर्ट में CGA कहते हैं, के का पदभार ग्रहण किया। तो किसने ग्रहण किया, तो जानते रहेगा जिन्होंने पदभार ग्रहण किया लेखा महानियंत्रक का, वो है दीपक दास, और दीपक दास देखे हैं ऑप्शन नंबर ए में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं देखिए अपना सेवन नंबर क्वेश्चन पे। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन नेवी ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास, जिसका नाम क्या दिया गया, सी कैट 2021 में भाग लिया। तो जानते रहिए, इंडियन नेवी ने जिस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास किया, जिसका नाम क्या है, CEAT, जिसे सी कैट कहते हैं 2021, ये लिया था भाग अमेरिका के साथ, और अमेरिका देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखना है कि इंडियन नेवी ने जिस देश के नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास, जिसका नाम सी कैट 2021 था, उसमें जो भाग लिया था वो अमेरिका के साथ लिया था, ये याद रखना है आपको। फिर देखिए आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एट्थ नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने खिलाड़ी वंदना कटियार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड अम्बेसडर बनाया है। तो जानते हैं वह राज्य जिसने खिलाड़ी जो हैं वंदना कटियार, इनको ब्रांड अम्बेसडर बनाया था, किसके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, वो राज्य है जानते रहेगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड राज्य ने खिलाड़ी वंदना कटियार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड अम्बेसडर बनाया है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे अपने नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है। आई रिपीट, K2 जो पहाड़ी है K2 नाम की, कह रहे हैं K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है। तो जानते रहेगा जो पर्वतारोही हैं वो हैं
आपका शहरोज काफीज़, और शहरोज काफीज़ देखिए कहाँ है, देखिए शहरोज काफीज़ जहाँ है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखना है आपको कि K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र वाला जो पर्वतारोही है, पर्वत पर चढ़ने वाला इंसान, वो कौन है, शहरोज काफीज़ हैं, ये याद रखना है आपको। फिर देखिए आ जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुणे का आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम अब किस नाम से जाना जाएगा, तो जानते रहिएगा पुणे का आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है अब वो जाना जाएगा नीरज चोपड़ा के नाम से, और नीरज चोपड़ा दिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, पुणे का आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है अब नीरज चोपड़ा के नाम से जाना जाएगा। फिर देखिए आ जाते हैं अपने 11th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्व लद्दाख में किस दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। आई रिपीट फिर से, देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्व लद्दाख में किस दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है, जानते रहिएगा उस दर्रे का जो नाम है वो है उमलिग ला पास। तो उमलिग ला पास कहाँ आया है, देखिए उमलिग ला पास आया है, देखिए ऑप्शन में बी में है, तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्व लद्दाख में जिस दर्रे में दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है उस दर्रे का नाम क्या है, आया है उमलिग ला पास है, इतना याद रखना है आपको। फिर देखिए आ जाएंगे अपना नेक्स्ट नंबर, हमारा 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्राहिम रईसी ने ऑफिशियली तौर पर किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इब्राहिम रईसी ने ऑफिशियली तौर पर किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो जानते रहिए इब्राहिम रईसी जो है उन्होंने ऑफिशियली तौर पर जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में पद को संभाला है वो है ईरान, और ईरान देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 13th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया, तो जानते रहिएगा भारतीय नौसेना ने जिस देश के साथ नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया है वो देश है संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारे यहाँ बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखना है आपको कि भारतीय नौसेना ने जिस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम क्या है जायद तलवार 2021 जो किया था वो किया था संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के साथ, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आई रिपीट, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो जानते रहिए जिनको सम्मानित किया गया है वो है आशा भोसले, और आशा भोसले देखिए ऑप्शन नंबर ए में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखना है कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है आशा भोसले। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर 15th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया, तो देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भारत और किस देश ने मिलकर अपना नौसेना अभ्यास आयोजित किया जिसका नाम क्या है अल मोहद अल हिंदी 2021, ये इसका नाम है और 21 में हुआ था इसका सन है, तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भारत के किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 में जो रखा गया था युद्धाभ्यास ये कह रहे हैं अपना पहला नौसेना अभ्यास ये किसके साथ भारत ने आयोजित किया है, तो जानते रहिएगा जिसके साथ आयोजित किया है वो है सऊदी अरब, और सऊदी अरब देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी 2021 में अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। फिर देखिए आ जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। आई रिपीट, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है, तो जानते हैं जिसके उपलक्ष में मनाया जाता है वो महान खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद लिखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है वो जिस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है वो है मेजर ध्यानचंद। फिर देखिए आ जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, मतलब कि भारत की तरफ से कितने एथलीट गए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए, तो याद रखिएगा भारत की तरफ जो जाने जो भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो एथलीट की जो संख्या थी वो थी 120, और 120 देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो संख्या जो थी 120 एथलीट जो थे ये
भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन सभी ने। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 नंबर, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है। तो जानते रहिएगा वो है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा देखिए ऑप्शन नंबर ए में आए हैं, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हाल ही में दुनिया का जो सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है वो है अभिमन्यु मिश्रा। फिर आ जाएंगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। आई रिपीट, हाल ही में किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो जानते रहिएगा वो देश है चाइना। और चाइना देखिए बात आई चाइना की ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जिस देश को हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है वो है चीन। फिर देखिए आ जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। आई रिपीट कि अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो जान रहे कि जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है कौशिक वसु। और कौशिक वसु देखिए हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया है वो है कौशिक वसु। फिर देखिए आ जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जानते रहिएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 52वां जो संस्करण आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा गोवा में। और गोवा देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। तो जानते रहिएगा जिन्होंने हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है वो हैं लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए में आए हैं, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, मतलब किस डेट को मनाया जाता है। तो जानते रहिएगा विश्व जनसंख्या दिवस जो हर वर्ष मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। और 11 जुलाई देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश हाल ही में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसे शॉर्ट में ISA कहते हैं में शामिल हुआ। तो जानते रहिएगा वह देश जो हाल ही में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन IAS में शामिल हुआ है वो है स्वीडन। और स्वीडन देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हाल ही में जो देश 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है वो है स्वीडन। फिर देखिए आ जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो जानते रहिएगा हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जिसे शामिल किया गया है वो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हाल ही में जिस स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थल की सूची में शामिल किया गया है वो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसे शॉर्ट में AIFF कहते हैं कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया गया है। आई रिपीट फिर से, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसे शॉर्ट में कहते हैं AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया गया है। तो जानते हैं जिसे नामित किया गया है वो है नंगंगोम बाला देवी देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा नाम अजीब लग रहा है लेकिन आप याद रखिएगा कि बस इतना आप याद रखिए कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसको नामित किया गया है, तो नंगंगोम बाला देवी है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो कौन से वो देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के रूप में शामिल हुए हैं हाल ही में। तो जानते रहिएगा वो जो देश हैं वो है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। और मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि हाल ही में जो देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं वो है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आए हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप
किस टीम ने जीता, तो जानते रहिएगा कोपा का फुटबॉल चैंपियनशिप जिस टीम ने जीता है वो टीम है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कोपा प्लस जो आया है, जो कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो अर्जेंटीना की टीम ने जीता है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने विंबलडन चैंपियनशिप 2021 पुरुष के की बात की जा रही का खिताब किसने जीता है, तो जानते रहिएगा हाल ही में जिसने विंबलडन चैंपियनशिप 2021 पुरुष वर्ग में जिन्होंने खिताब जीता है वो है नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए में हैं, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। फिर से आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन को, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, तो जानते रहिएगा वो जो नगर है वो है गुजरात। और गुजरात देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है यूनेस्को की यूनेस्को ने जिस राज्य में स्थित हड़प्पा महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूचित किया है वो है गुजरात। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, हमारा क्या कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया, तो जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो जिन खेलों को शामिल किया है उनकी जो संख्या है वो टोटल क्या है, चार है। और चार कहाँ, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिन नए खेलों को शामिल किया गया उनकी संख्या जो है वो चार है। फिर देखिए आ जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री के रूप में रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनके स्थान पर वर्तमान में केंद्र शिक्षा मंत्री कौन है, तो जानते रहिएगा रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद पे जब उन्होंने क्या किया, अपने इस्तीफा देने के बाद उनके पद पे उनके स्थान पे जो आने वाले जो नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान के जो है शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपको बोलना है धर्मेंद्र प्रधान। या फिर अगर इस तरह था कि रमेश पोखरियाल निशंक जो कि पहले जो थे उनके स्थान पे कौन आए हैं, तो उनके स्थान पे भी यही हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान ही, इस तरह आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है, तो जानते रहिए मीराबाई जो चानू हैं ये जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और वेट लिफ्टिंग को ही हिंदी में आप कहते हैं भारोत्तोलन। और भारोत्तोलन देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना याद रखना है मीराबाई चानू का संबंध किससे है, वेट लिफ्टिंग, जो वेट उठाने का जो होता है कॉम्पिटिशन उससे संबंधित है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन को इंग्लिश में कहते हैं वेट लिफ्टिंग, मतलब भार को उठाने वाली जो प्रक्रिया होती है। तो मीराबाई चानू का किससे संबंधित है, भारोत्तोलन, जिसे हम वेट लिफ्टिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 34 नंबर कह रहा है कि हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो जानते रहिएगा हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार जिनको दिया गया है वो है मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस देखिए कहाँ आए हैं, मोहम्मद यूनुस आए हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको कि हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार जिसको दिया गया है वो कौन है, मोहम्मद यूनुस है, इतना याद रखिएगा। और देखिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व दुग्ध दिवस जिसे वर्ल्ड मिल्क डे भी कहते हैं कब मनाया जाता है, तो जानते रहिएगा विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जून को। और 1 जून देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मे बी आज हमने यहाँ पे जो भी 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अगर सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को 1 से 2 बार आप देखते जाएंगे, 2 से 3 बार देखेंगे और बार बार उसको रिपीट करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ आपको लर्न हो जाएंगी। तो मे बी आपके यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अगर सारी चीज़ क्लियर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कितना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।